الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمه للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى الك واصحابك يا शफ़ीमी हमदो सलाद के बाद माहम माह रमदान का दूसरा जुम् है और हर साल इस मौक़े पर ज़क़ात के मौजु पर गुफ्तु करता हूँ कराची में बशतर लोग अपनी ज़क़़त का हिसाब माह रमदान के मुताबिक करते हैं इसलिए ज़क़़त सदक़ात के हवाले से फ़रा के हवाले से फ़दिया के हवाले से ज़रूरी बातें इन शर्ज करूँगा अल्लाह तुझे हक़ बयान करने हम सबको हक़ सुन कर उसको कबूल करने उस पर अमल करने और उस पर क़ायम रहने की तोफ़ी कता फरमाए जितने लोग आ गए हैं जिस जिस के पास टेलीफ़ोन है अभी बंद कर लें मेरी तकरीर में मुझे किसी की आवाज़ ना आए बड़ी मेहरबानी होगी बहुत शुक्रिया जितने भी मुसलमान हैं जो पढ़ चुके जान चुके उनको पता है कि इस्लाम की बुनियाद पांच पर है बुनिया इस्लाम वाला ख़म पहली गवाही फिर नमाज फिर ज़क़़़़़ फिर रोज़ा फिर हज इस्लामी अरकान में इस्लाम की बुनियादों में ज़क़त का ज़िक्र मौजूद है लफ्ज़ ज़क़़़़़त क़रान में बत्तीस मरतबा बयान हुआ है और बाकी जगहों पर इसके अलावा दूसरे अल्फ़ाज़ में सदक़ात के हवाले से और दूसरा ज़िक्र मिलता है क़र में जहाँ अकीम उसला है वहीं आतज़क़ा भी है नमाज क़ायम करो और जकवात अदा करो ये इस्लाम का माली निज़ाम है इस्लाम की मुक़दस जमात का माली निज़ाम है अगर कोई शख्स नमाज को तो मानता है और कहता है कि मैं जकवात को नहीं मानता तो वो मोमिन नहीं इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा अदा नहीं करेगा फासिक होगा देर करेगा तो गुनाकार होगा मैं इस हवाले से कुछ बातें इब्तिदा में अर्ज़ कर दूँ मैंने पिछले जुमे भी कहा था इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या है खाना पीना पहनना ओढ़ना रहने के लिए जगह जहां वो सो सके ये बुनियादी जरूरतें हम आसाइशों आरइशों में बहुत खर्च करते हैं हमारी ज़रूरत जितनी होती है हम उससे ज़्यादा खर्च करते हैं दिखावे पे बनावट पे और इन्हीं चीज़ों की वजह से उलझे रहते हैं इंसान बड़ा अजीब है जब तक उसके पास सेहत है जवानी है तंदुरुस्ती है डबल ट्रिपल मेहनत करेगा आठ घंटे की बजाय सोलह घंटे ड्यूटी करेगा चौबीस चौबीस घंटे ड्यूटी करेगा कमाएगा जब कमा लेगा तो सेहत ढल जाएगी फिर वही कमाई लगा के सेहत वापस लाने की कोशिश करेगा और वो आती नहीं जवानी एक बार चली जाए दोबारा नहीं आती लेकिन इंसान लगा हुआ है किसी तरह मैं इतना कमा लूँ इतना कमा लूँ कमाने के बाद भी वो तलब ख़त्म नहीं होती हमने जितना वक्त गुज़ारा है जो गुज़ार रहे हैं जो आगे आएगा अगर हम गौर करें हमारा कितना टाइम इन्हीं परेशानियों में गुजर जाता है आपको तजारत करनी है कारोबार करना है नौकरी करनी है मज़दूरी करनी है जमींदारी करनी है खेती बाड़ी करनी है जो भी है कमाने के लिए जायज़ तरीक़े भी हैं नाजायज़ तरीक़े भी हैं इंतखाब आपका है मगर ए इंसान ख्वाहिशों के पीछे मत जा जरूरतों के मुताबिक अपने आप को रख ताकि तेरे लिए मुश्किलात कम हो मगर हम ऐसा करते नहीं हमारी कोशिश है कि नहीं जी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो हदीस शरीफ में आता है सोने की एक वादी इंसान को मिल जाए कहेगा दो हो जाए दो मिलेंगी तो कहेगा चार हो जाए इंसान के मुंह को मट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती उसकी ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं होती मैंने आपको ये वाकया सुनाया रमदान में फरमाइशों की भरमार होती है हर साल लोग समझते हैं कि जी हम आएंगे तो फरमाइश पूरी हो जाएगी कुछ लोग ये समझते हैं कि इनको यही वाक़ आते हैं और आता नहीं है तो असल फरमाइशें हज़रत ओमर बिन अब्दुल अजीज रदी शुमार खलाफा राशिदीन में हुआ है इन्होंने अपने इलाके के अमीरों की बड़े बड़े सेठों की दावत की खलीफा बादशाह के पास जाना है अगलों ने हो सकता है कि जी नाश्ता भी ना किया हो कि वहीं जाके खाएंगे ताकि ज्यादा खाएं अच्छा खाने को मिलेगा बादशाह के यहाँ सारे आ गए दुनिया में किसी के यहाँ जाना हो आप देर से जाते हैं बादशाह के यहाँ आप दस मिनट पहले ही जाएंगे मस्जिद में भले आप देर से आए मिजाज है ना आके बैठ गए बातें शुरू हो गई बादशाह से किसी को ज़रूरत नहीं हो रही कहने की कि जी खाना लगाओ भूख लगी है बातें हो रही हैं बादशाह ने देखा कि इनकी भूख ठीक ठाक चमक चुकी है भड़क उठी है उसने मुलाजिम को बुलाया भाई अगर खाने में देर है तो ऐसा करो बुने हुए चने ले आओ उसने बुने हुए चने ला के रख दिए लोगों को लगी थी भूख उसने सब ने चने खाने शुरू कर दिए बादशाह बातें भी कर रहा है और चने भी खाए जा रहे हैं बादशाह ने देख लिया कि इन्होंने इतने चने खा लिए हैं कि इनका पेट भर गया है उसने मुलाजिम से कहा खाना लगाओ खाना लग रहा है मगर अब कोई खा नहीं रहा क्योंकि पेट भर चुका बादशाह ने कहा बस यही पैगाम देना था तुम्हें यही बात सिखानी थी तुम्हें मैंने जानबूझकर बावर्ची को कहा था कि खाना देर से लगाना है हम चने से भी पेट भर सकते हैं मगर पचास डिशें बनाते हैं और फिर भी शोकर करते हैं कैसे बर्तन चाहिए कैसे ये चाहिए क्या वो चाहिए ये हम लोगों की सिर्फ ख़्वाहिशें हैं ज़रूरत नहीं मुझे आपको दुनिया से नफरत नहीं करवानी मैं दुनियादार होने को बुरा नहीं कहता माल कमाना बुरी बात नहीं दुनिया परस्त होना बुरी बात है इस दुनिया की मोहब्बत अगर आपके अंदर आ गई तो यह आपको बिगाड़ देगी बर्बाद कर देगी कुछ आपको हासिल नहीं होगा और जिस किसी को भी दुनिया से मोहब्बत हुई उसने बिगाड़ा ही है उसने कुछ बनाया नहीं और आप दुनिया से जब जाएंगे जब जाएंगे दुनिया से मुझे यह बताइए क्या साथ ले जाएंगे पूछ रहा हूं सिवाय कफन के दुनिया से आपके साथ दुनिया की कोई चीज ऊँची गई है नहीं, नहीं जाएगी नहीं और वो भी पता नहीं कि मिलना है या नहीं, नहीं। आपको जमीन का गढ़ा जिसको आप कब्र कहते हैं वो मिलना है जानवर का पेट मिलना है समंदर का पानी मिलना है या चीथड़े उड़ जाने कुछ पता लेकिन मनसूबा बंदीस प्लानिंग दुनिया के लिए जितनी हो सकती है वो हम करते हैं मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर हमें यह बताया है माल कमाना बुरी बात नहीं मेहनत करना बुरी बात नहीं तिजारत करना बुरी बात नहीं मगर मोहब्बत अल्लाह से हो उसके रसूल से हो अल्लाह की राह में जिहाद से हो नेकी से हो ना हमारा कमाने का तरीक़ा ग़लत हो ना हमारी कमाई गलत हो जब आप कमा लें तो फिर आपको अल्लाह की तरफ से मिला है जो मिला है बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने मेहनत की है मैंने कहा बदन किसने दिया है जिसम किसने दिया उसमें ताकत किसने दी है सलाहियत किसने दी है आंखों से देखते हो कानों से सुनते हो हाथों से काम करते हो किसने दिए है हमें जो कुछ दिया है हमारे रब ने दिया माल भी आपने मेहनत की है अल्लाह ताला ना चाहे तो आपकी मेहनत से आपको कुछ मिल सकता है नहीं। पूछ रहा हूं नहीं।, नहीं रब ने दिया है रब के दिए हुए माल में से हर कोई नहीं हर किसी को नहीं सिर्फ उसको जिसके पास एक खास मकदार में सोना चांदी, नकदी सामान्य तजारत हो जाए ख़ास मकदार में उस पर साल गुजर जाए उसे कहा कि अल्लाह की राह में ढाई फ़ीसद दे दो चालीसवा हिस्सा चालीस पर एक रुपया फिर दूसरे चालीस पर एक रुपया दो रुपया हो गए बीस रुपये पे आधार हो गया तो ढाई फीसद यानी सौ पे ढाई रुपए देने हैं ये अल्लाह की राम है लेकिन हर एक ने नहीं हमारे यहां एक लफ्ज़ कहा जाता है साहिब निसाब आपसे भी सुनना चाहता हूं निसाब वैसे तो अगर आप कहेंगे तो कहेंगे जी स्कूल में होता है सिलेबस को कहते हैं तो वो भी इस निशाब का मतलब आपको एक ख़ास मकदार में जब आपका हिसाब पहुंच जाए तो आप साहिब निसाब होते हैं किस तरह आइए आपको सुना देता हूँ इंसान के पास दुनिया में जितना भी कुछ होता है एक ज़माना था सोना और चांदी यही थे यही सिक्के थे यही करेंसी थी या फिर पैदावार ज़मीन से जो पैदावार होती है इंसान इसी पर था फिर उसके बाद कौड़ियाँ दमड़ियाँ पता नहीं क्या क्या निकलते रहे आपने सिक्के बदले अब आपके पास पेपर मनी है कागज़ आ गया है रुपया पैसा जिसको आप कहते हैं उससे आप सोना चांदी खरीद लेते हैं मेहरबानी सोना चांदी उस रुपए से आप खरीद लेते हैं करंसी पूरी दुनिया में पेपर मनी राइज हो गई है ज़कात किस पर है सोना चांदी नकदी कैश जो आपके पास है सामान तजारत नकदी से मुराद अगर नकद नोट बैंक में रखे हैं किसी जगह लगाए हुए हैं वो सब उसमें शामिल होंगे सोना चांदी नक़दी और सामान तजारत ये याद हो गया आपको इन पर जक़ात है सोना चांदी नकदी और तजारत चालीसवा हिस्सा बहुत से लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको उशर होता है पैदावार पर दसवां हिस्सा कुछ लोग जानवरों का उन्होंने अपने फार्म बनाए हुए हैं तो जानवरों पर तादाद के मुताबिक पांच ऊंट से कम हैं तो नहीं चालीस बकरियों से कम हैं तो नहीं तीस गाय से कम है तो उन पर कुछ नहीं है निसाब क्या है एक जमाना था सोना चांदी कीमत लोगों को जो भी बाजार में मालूम होती थी साढ़े सात तोले सोना कितना आजकल मेट्रिक सिस्टम में आप ग्राम नापते हैं सत्तासी आशारिया अड़तालीस ग्राम अगर सही वज़न है इतना सोना ये एक निसाब था सोने का दूसरा निसाब था चांदी का साढ़े बावन तोले चांदी ये छः सौ बारह आशारिया छत्तीस ग्राम आज के हिसाब से आपने ये दोनों सुन लिए उस जमाने में क्या था कि जितना ये साढ़े सात तोले सोना जितनी रकम का आता था उतने में साढ़े बावन तोले चांदी आ जाती थी अब सोना बहुत महंगा हो गया अब एक तोला सोना भी साढ़े बावन तोले चांदी की रकम से ज़्यादा हो गया तो अब जो निसाब होगा वो ये कि अगर किसी के पास सिर्फ़ सोना है सिर्फ़ और कोई चीज़ नहीं नकद पैसा भी नहीं चांदी की कोई चीज़ नहीं सामान नहीं उसका मामला और होगा और ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसके पास सिर्फ सोने का एक सिक्का हो और कोई भी चीज़ ना हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा उसके पास कुछ ना कुछ नकद पैसे होंगे कुछ और सामान होगा अब निसाब बनेगा जिस किसी का वो साढ़े बावन तोले चांदी के हिसाब से बनेगा आपके पास कुछ नकदी हो मामूली सा सोना हो सामान तिजारत हो चांदीओ सब मिलाकर साढ़े बावन तोले चांदी को पहुंच जाएंगे आप पर जक़ात शुरू हो जाएगी अगर नहीं समझ आई दोबारा कहूं या आ गई दोबारा कह दूं आपके पास कुछ नकदी है कुछ पैसे हैं बैंक में रखे हुए हैं कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं लगाए हुए हैं या पास रखे हैं या किसी को दिए हुए हैं लेकिन हैं आपके और आपको मिलने की उम्मीद भी है ये सारे हो गए नक़द पैसे आपके पास मामूली सा सोना आपने कोई हो सकता है जी एक बटन लिया हो या आपके पास कोई छोटी सी भी चीज़ हो सोना हो गया कुछ चांदी है कुछ आपके पास सामान तिजारत ये सब मिलाकर कर साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर हो जाए साढ़े बावन तोले चांदी इस वक्त मार्केट में कितने की है सवा लाख बताया है शायद सवा लाख के करीब बताया है तो जिसके पास सवा लाख रुपए नकद हों या कुछ पैसे कुछ चांदी कुछ सोना कुछ सामान तिजारत मिलाकर इतने हो जाएंगे उस पर ज़क़ात शुरू हो जाएगी अब समझ आ गई ये है निसाब ये निसाब है मैं अभी मसले बता दूंगा उससे आपको और ज्यादा बात मैंने कहा ना एक चीज नहीं है आपके पास थोड़े से पैसे रखे हुए दस बीस हजार रुपए पैसे रखे हैं थोड़ा सा कोई चांदी का कोई सामान रखा है कोई छोटी सी चीज सोने की रखी है कुछ सामान तिजारत आपने बेचने के लिए लिया हुआ है ये सब मिलाकर साढ़े बावन तोले चांदी की रकम के बराबर हो जाएंगे तो आप पर ज़क़त शुरू हो जाएगी आप साहेब निसाब हो जाएंगे साहेब निसाब पहला मसला ये था कि चांदी की कीमत का सोना फर्ज कर लें और सोने का निसाब पूरा हो जाए सोने की कीमत की चांदी फर्ज कर लें और चांदी का निसाब पूरा हो जाए तो ज़क़़्त फ़र्ज हो जाएगी वरना नहीं मगर ये उस ज़माने की बात थी जब सोना भी सस्ता था और चांदी भी अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया अब छोटा निसाब ही आपको सामने रखना है अब ध्यान से सुन लें ध्यान से सुन लें आपके पास तिजारत का माल है दुकान में गोडाउन में जिसको आप गोदाम कह देते हैं उसमें रखा है कहीं भी आपने तिजारत का सामान उसी की कीमत का जितना कर्ज हो जितना आपके पास सामान रखा है उतना ही आप पर कर्ज हो या नकद रकम हो आपके पास सामान तिजारत नहीं मगर पैसे हैं और उतने ही पैसों के आप मकरूज हो उतना ही आपने कर्ज देना हो तो कर्ज की रकम निकाल कर जो बचे वो माल तजारत या नकद रकम अगर निसाब को पहुंच जाएगी तो आपको जक़त देनी है आपको जक़ात आपने मिसाल के तौर पर चले और आसान करता हूं एक लाख रुपया आपके पास रखा है और आपने नब्बे हजार रुपया देना है कर्ज तो नब्बे हजार कर्ज देने के बाद क्या बचा दस हजार तो दस हजार को नहीं पहुंचा तो आप पर जक़त नहीं इतने पैसे बचे कि निसाब को पहुंच जाए तो जक़त देनी है जो माल हलाक हो गया ज़ाया हो गया उसकी जक़ात नहीं देनी जया हो गया जिस कदर हलाक हुआ है आग लग गई है पानी उस पर बह गया है बेकार हो गया है बेच नहीं सकते अब कोई लेने वाला नहीं तो जितना वो हुआ है उतने की हज़त साकित हो गई अब वो देनी नहीं मगर हलाक के माना जान ले ज़रूर बग़ैर मालिक के फेल के यानी ख़ुद आपकी उसमें कोई कार्रवाई ना हो आपने खुद आग ना लगवा ली हो शॉर्ट सर्किट ना करवा लिया हो कोई टैक्स से बचने के लिए कोई कार्रवाई आपका उसमें दखल ना हो वो खुद ब खुद अमल हुआ है हलाक हुआ है तो वो उसकी ज़क़़त नहीं जो माल ज़ाया हो गया किसी मुफलिस को फ़क़ीर को भिकारी को कर्ज़ दिया आया तो कोई आपके पास आपने उसको कर्ज दे दिया उसके पास वापस करने के लिए गुंजाइश नहीं आप टोटल पूरा मुआफ कर दें तो जितना मुआफ किया है उतनी जक़ात आपकी साखित हो गई वो नहीं देनी आप समझ आ गई बात बहुत से लोग ये काम करते हैं मना नहीं है मगर सिर्फ जक़ात से बचने के लिए नहीं करना चाहिए आपके बच्चे हैं आपने चार बच्चों में पांच बच्चों में कि ये इस ये इसका हो गया ये इसका हो गया ये इसका हो गया नाबालिग की मिल्क कर दिया नाबालिग बच्चे बच्ची को मालिक बना दिया जितनी जितने का मालिक बनाया उस पर जक़़त ऊंची कह दें ये बंद कर देना उस पर ज़क़़त नहीं है जब तक वो नाबालिग है बालग हो जाएगा तो फिर उस पर जक़ात शुरू हो जाएगी लेकिन जब आपने उसको मालिक बना दिया तो अब ये नहीं है कि आप उस पर हड़प कर ले, वो मालिक वही होगा उसकी मर्जी के बगैर आपको मिल सकता नहीं आपने सिर्फ जक़ात से बचने के लिए बच्चे को मालिक बनाया ये बात दुरुस्त नहीं साल भर आप खैरात करते रहे साल भर आप देते रहे बाद में सोचा यार जकत की नीयत कर लू तो अब अदा नहीं होगी जिस वक्त देते हैं देते वक्त नीयत जरूरी है देते वक्त नीयत ऊंची गई है भले मुंह से ना कहें नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम बाद में नीयत करेंगे तो नहीं देते वक्त नीयत जरूरी है कहना जरूरी नहीं गल्ला गंदम है चावल है दालें हैं जो होता है अजनास कपड़ा है बर्तन है फर्नीचर है ये आप जक़ात में दे सकते हैं मसलन अपने कपड़ा लिया है बाजार से आजकल तरह महंगाई है उसके हिसाब से बात करूं हजार रुपए गज कपड़ा लिया है पांच हजार रुपए का कपड़ा लिया है सिलाई भी पांच हजार दी है तो अब कितनी कीमत हो गई दस हजार आप वो नया देंगे तो वो दस हजार का ही आप शुमार करके देंगे नया दिया आपने तो जितनी कीमत है उतनी ही आप उस, वो जकआत उसमें से कट जाएगी और अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो जितना इस्तेमाल कर लिया वो आप बीच में से निकाल दें दस हज़ार में से आप चार हज़ार निकाल दें छः हज़ार का दे दें तो वो छः हज़ार आपकी ज़क़ात अदा हो जाएगी ये इसलिए बता रहा हूँ पुराने कपड़े आपके पास बहुत होते हैं और औरतों का मामला बड़ा सख्त होता है वो एक मरतबा किसी दावत में पहन जाएँ तो दोबारा उस जगह पर वो जोड़ा पहन के नहीं जाती कि सबने देख लिया है तो वो अगर ज़कात में देना चाहें तो सिलाई की कीमत लगाकर मगर इस्तेमाल को कम करके यानी आधी कीमत पर वो ज़कात में दे सकती है यह भी आपने सुन लिया खाना आपने खिलाना है आप चाहते हैं मैं ज़कात में खिला दूं आपने बुलाया उनको कहा यहाँ बैठ के ये खाना खा लो तो ज़क़ात अदा नहीं होगी आप खाना उसको दे दें मालिक बना दें वो खाए बेचे ले जाए फिर ज़क़ात अदा हो सकती है लेकिन सिर्फ खिलाने से अदा ऊँची नहीं होगी ज़क़ात की नीयत से खाना दे दें दे उसको वो जो मर्जी करे मालिक बन गया अदा हो जाएगी ये जो जुमले आपने सुने मालिक बनना इसको तमलीक कहते हैं ते मीम लाम ये काफ तमलीक मालिक बनाना क्या है ऊंची कहिएगा चनाचे आप जक़ात की तारीफ सुन लें मखसूस शराइत के साथ ख़ास शर्तों के साथ अपने माल के एक ख़ास हिस्से का मालिक किसी को बनाना और किसको बनाना जो मुस्तहिक है किसी मुस्तहिक को अपने माल के एक मखसूस हिस्से का खास शर्तों के साथ मालिक बनाना इसको क्या कहते हैं ज़क़ात लफ्ज़ ज़क़ा यज़कू ज़क़ा अन इसके माने बढ़ने के हैं फलने के हैं फूलने के हैं अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए पाकीज़गी भी रखी है ये बढ़ता है आप बजाहिर देखते होंगे कम होता है मगर ये बढ़ता है फलता है फूलता है अच्छा जी आपके माल पर साल गुजरना ये भी शर्त है आज पैसा आया है पिछले ग्यारह महीने नहीं था आज आया है तो साल गुजरने के बाद जक़ात होगी साल से पहले नहीं, एडवांस दे सकते हैं पेशगी मसलन ये कि जी साल के बाद मेरी जक़ात बनेगी मगर मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी करके दे रहा हूँ तो एडवांस दे सकते हैं दे सकते नहीं दस माह से ज़्यादा हो गए तो आपने हिसाब कर लिया कर सकते हैं लेकिन साल का शर्त आसान लफ्जों में आपको अब बता रहा हूँ ध्यान से सुन लें कागज़ लें आज की तारीख लिखें आज नौ रमदान समझाने के लिए नौ no, रमदान में आप अपनी मा, मालिकाना हसीियत की लिस्ट बनाएं कि आपके पास नकद पैसा कितना है सोना कितना है चांदी कितनी है सामान तजारत कितना है आपके पास और कहाँ कहाँ बैंक में कितने हैं कहीं लगाए हुए हैं किसी के कारोबार में वो कितने हैं आपने वो सारा टोटल आज लगा लिया जब टोटल लगाया और आपने उसके बाद देखना है कि आपके ऊपर कर्ज कितना है आपने किसी का देना है किसी का बिल बाकी है वो आपने उसमें से निकालना है निकालने के बाद आपने देख लिया कि आप आज साहिब निसाब हैं आप, आप जक़ात अदा करने के लायक हैं अब आप वो कागज कहीं संभाल के रख दीजिए पूरा साल आप कारोबार करते रहें तजारत करते रहे कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ कभी बिल्कुल ख़त्म हो गया अगले दिन फिर बहुत ज्यादा आ गया अगले साल उसी तारीख में आपके पास टोटल जितना है आप पिछले साल साहिब निसाब बन चुके अब अगले साल उसी तारीख में आपने जितना आपके पास है टोटल लगाकर उसका ढाई फीसद देना है आसान हो गया या नहीं पिछले साल जिस तारीख में आपने अपने आप का पूरा टोटल लगा लिया था क्या क्या है और साहिब निसाब हो गए थे कि जक़ात अदा करने के लायक अगले साल उसी तारीख में अब जितना है ये नहीं कि दरमियान में कम हुआ ज्यादा हुआ नहीं आखिरी तारीख में जितना है उस पर आपने जकवात अदा करनी है बहुत आसान करके बता रहा हूँ जक़ात के पैसे निकाल कर अलग रख लिए मेरी जक़ात बनी है दो हजार रुपया ये मैंने अलग रख लिए है मगर दिए नहीं है अभी किसी को अलग रखे हुए अदा नहीं होगी जब तक किसी मुस्तह को नहीं दे देंगे मालिक नहीं बना देंगे अदा नहीं अदा नहीं होगी हो। जमा करके रखी है हाँ जी आगे जरूरत आएगी दूंगा दो महीने के बाद दूंगा तो जब तक देंगे नहीं अदा नहीं होगी आपने किसी को कर्ज दिया था उसने आपसे उधार लिए थे पैसे मेरे पास ज़रूरत है दे दूँगा लेकिन अब इस काबिल नहीं कि वो कर्ज़ वापस कर सके और आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपको मिलें आपने जक़ात भी देनी है अगर इस तरह ये लोग कर्ज वाले ही लेते रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा आप अपने पैसे वापस चाहते हैं आप उसको कहते हैं मेरे पैसे वापस करो वो कहता है जब होंगे दे दूंगा ये उससे वादा ले ले जब होंगे देगा जी दे अब जितने पैसे आपने उसको कर्ज दिए हुए उतने ही पैसे आप उसको जकत की नीयत से दे दें उतने ही पैसे आप उसको जकत की नीयत से दे दें और उसे कह तूने कहा था जब होंगे दे दूंगा ला मेरे पैसे वापस कर वो नहीं दे तो आप छीन भी सकते हैं आपकी ज़क़ात भी अदा हो गई वो कर्ज वाला मामला भी अलग हो गया समझ आ गई बात ये जो आपने सब कुछ करना है अपना हिसाब करना है वो उसके लिए कानून सुन लें हा जाते असली ये लफ्ज़ कहिएगा बेसिक नेसेसिटीज बुनियादी जरूरतें ठीक है उर्दू भी अरबी भी इंग्लिश भी बता दी हाजात जाते असलिया के सेवा हाजात जाते असलिया के सेवा निसाब बनता है यानी आपके पास इतना हो जाए हाजात जाते असलिया के सेवा अब सुन ले हाजात जाते असलिया क्या क्या है आपका रिहायशी मकान जिसमें आप रहते हैं आपका अपना है एक है या एक से एक कराची में बनाया हुआ है एक लाहौर में एक पिंडी में जाना पड़ता है आपके रिहायशी मकान पर जक़ात नहीं है अपने अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं सर्दियों गर्मियों हर मौसम के भले पाँच सौ जोड़ा हो ज़क़़त ऊंची वो आपकी मर्जी है कि आप कितना जमा करते हैं लेकिन उस पर ज़क़़त नहीं सामान में माल तिजारत माल तिजारत जो बेचने की गरज से ख़रीदा उसको आप शामिल करेंगे वो आपके असासे में शामिल होगा अगर आपने इस्तेमाल के लिए लिया कोई चीज बाद में फरोख्त करने का इरादा कर लिया बाद में तो फिर नहीं लेकिन जब लिया था इस्तेमाल के लिए लिया था इसलिए जक़ात नहीं आज बाद में इरादा हो गया कि बेच देता हूं तो उस पर जक़ात नहीं हाँ नकदी है तो उस पर जक़ात रहेगी सवाल आता है कि मालिक घर में चीजों का कौन है आप घर में चीज़ें ला के रखते जाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये इसका मालिक कौन है बीवी को नहीं कहते बच्चों को नहीं कहते खुद के लिए ऐलान नहीं करते कि मैं मालिक हूँ बस रख दी चीज़ें मालिक बनाना चाहिए ये गर्व के इस्तेमाल के लिए हैं बस इतना कह दें तो ठीक हो गया कि जी आप, का, आप मालिक हैं अगर किसी को कह दिया है तो उसको मालिक बनाएं ताकि कल को शुमार कैसे करेंगे किस किसके खाते में जाएंगी वो चीजें शोहर बच्चों के खर्च के लिए जो पैसे दे बीवी को बीवी उससे जकत अदा नहीं कर सकती हां बीवी को जेब खर्च दिया है पॉकेट मनी वो उसमें से देती है तो वो दे सकती है क्योंकि वो उसकी मालिक हो गई जब पॉकेट मनी उसको मिली है वो उसकी मालिक है वो अपनी ज़क़़त उसमें से दे सकती है लेकिन घर के लिए पैसे दिए हैं तो बग़ैर शोहर की इजाज़त के उसमें से ज़क़़त नहीं दे सकती घर की अशिया का मालिक कौन ये आप लोगों को फैसला करना चाहिए बताना चाहिए वरना इसी पर बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं शोहर की रकम से बीवी खुद से अदा न करे हाँ उसने कह दिया कि ये खर्च करो इसी में से जकवात दो जिसको मर्जी दो जो मर्जी करो तो फिर वो उसमें से अदा कर सकती है और अगर शोहर कह दे कि नहीं सोना तुम्हारा है मैं क्यों जक़ात दूँ तुम दो तो उसको अपने पैसों में से देनी होगी अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कुछ सोना बेच कर जक़ात देगी अगर शौहर कहता है नहीं भाई तुम्हारी जकवात मैं दे दूँगा वो और बात है लेकिन वो कहें नहीं तुम खुद अदा करो तो उसको अदा करनी है नकदी नहीं है तो सोना थोड़ा सा बेच कर जितना बनता है उस वो ज़क़़त अदा करेगी ठीक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़वातीन आई चूड़ियाँ पहनी हुई थी फरमाया इसकी ज़क़त देती हो या नहीं अगर नहीं दोगी तो यही तुम्हें दो में ले जाएंगे समझ आई आपको तो औरतों को चाहिए अपनी ज़क़ात के मामले में संजीदा हों। अब आपको यह बता दूं किसको ज़क़ात देनी है और किसको नहीं देनी बहुत आसान करके उसूल को नहीं देनी फ्रूर को नहीं देनी उसूल जमा असल की जड़ों को कहते हैं फुरू जमा फरा की शाखों को जड़ों को नहीं देनी शाखों को जड़ें कौन हैं शाखें कौन सगे माँ बाप सगे माँ बाप के माँ बाप कौन हो गए दादा दादी नाना नानी ये जड़े हैं उसूल हैं माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप इनको नहीं दे सकते शाखें कौन है औलाद बेटे बेटियाँ और औलाद की औलाद पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ ये शाखें इनको भी दे सकते माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप औलाद और औलाद की औलाद इनको नहीं दे सकते बाकी सब को दे सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो मैं और आसान करके बता दूं बहू, आपके बेटे की बीवी दामाद आपकी बेटी का शौहर सोतेली मां बाप ने दूसरी शादी की है सोतेली मां सोतेला बाप माँ ने शोहर के इंतकाल के बाद दूसरे शख्स से शादी की है बीवी की सोतेली औलाद शोहर सोते बीवी की सोतेली औलाद इन सब को दे सकते हैं इन सब को अगर ये मुस्तक हों आपकी बेटी है आप बेटी को नहीं दे सकते दामाद को दे दिया समझ आ गई आप इसी तरह सगे बहन भाइयों वो सबसे ज्यादा हक है उनका अगर मुस्तक है जितने करीबी रिश्तेदार हैं मुस्तक हैं तो सबसे पहला हक उनका है बस आपको बता दिया माँ बाप को नहीं देनी मां बाप के माँ बाप औलाद और औलाद की औद इनको नहीं देनी बाकी जितने मुस्तक हैं उन सबको दे सकते हैं मुस्त होना अब सबसे अहम मसला याद कर ले मेम्बर पर बैठा हूं कुरान शरीफ सामने है बद अकीदा को देने से अदा नहीं होगी जिसका अकीदा खराब है उसको देने से जक़ात अदा ऊंची कहिए जोर से कहिए आपसे कहलवाया है आपको याद हो जाए और आप इस मामले में लापरवाह जी देनी है सारे ही काम ना अदा ही नहीं होगी वो पैसे आपके जाएंगे ये याद रखना बीवी शोहर को नहीं दे सकती शोहर बीवी को नहीं दे सकती हेरा पेरी नहीं करनी है अल्लाह की बारगाह में देनी माहे रमदान में ज्यादा सवाब की नीयत से कि ज़्यादा सवाब मिलेगा ख़र्च करने पे जायज़ है मगर देर नहीं करनी चाहिए ज़क़़़त फ़र्ज़ है इसका मुनकिर काफिर न देने वाला ना फरमान फास और देर करने वाला गुनागार ये आपको मैंने कुछ बुनियादी मसले याद करा दिए एक मसला रह गया वो भी सुन लें हाशमी सैद को ज़क़़़़़त नहीं देनी जो नबी पाक की असली औलाद है उनको ज़क़़़़़़त क्यों ये ज़क़़़़़त माल का मैल है आपके अंदर से जो उसकी वजह से आपके अंदर मोहब्बत आ जाती है ना वो निकालने के लिए तो ये माल का मैल है नबी की औलाद को मैल नहीं देनी सुथरा हदिया देना है भले थोड़ा हो कम हो जो देना है हदिया देना है उनको ज़क़़त नहीं देनी आइए अब मैं आपके सामने इस मौजु पर मज़ीद जो बातें मैंने आपको मसले और बुनियादी बातें याद करा दी अब मेरा पहला आपसे ये जो कहना है अल्लाह की राह में जब भी दें खुश दिली से दें खुश दिली का मतलब दिल में आपके कोई मैल ना आए दिल में बुराई ना आए अल्लाह की रजा के लिए दें और खुश होकर दें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस काबिल बनाया है कि दे रहा मांगने वाला नहीं बनाया बल्कि देने वाला बनाया तो तंग दिल होना नहीं है सुने अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह इसके बारे में फरमाता है एक आयत मैंने शुरू में पढ़ी व मिम्मा कना अल्लाह फरमाता है और जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं रिज्क रोज़ी आप खाने पीने को ही कहते हो रिज़ के माने दी हुई चीज़ अल्लाह ने जो दिया है उसमें से उसकी राह में खर्च करते हैं ये ईमान वालों की निशानी हुम ज़क़ाति फा जो ईमान वाले हैं उनके बारे में बताया कि वो ज़क़़त अदा करते हैं है। अकीम तबात ज़क़ा नमाज कायम करो और ज़क़़त अदा करो खुशमिन अम वालिम सदाका तो बिहा अल्लाह अपने अबीब से फ़रमाता है महबूब इनके मालों से इनका सदका ले इनको पाक करो इनके सदक़ा लेके यानी लोगों को मुस्तक को दो और इनको पाक करो पता चला नबी पाक करने वाले हैं कुरान में अल्लाह फरमाता है

अल्लाह फरमाता है और जो कंजूसी करते हैं बुखल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी तो वो इस कंजूसी को अपने लिए हरगिज़ अच्छा ना समझें बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरी है ये बुखल करना बहुत बुरा है अन करीब वो जिसमें बखल कियाता क़यामत के दिन उनके गले का फंदा बना दिया जाएगा अल्लाह के दिए हुए माल से जो ख़र्च नहीं करते अल्लाह की राह में तो ये उनका फंदा बना के उनके गर्दनों में डाल दिया जाएगा और फिर उनको उससे रिहाई नहीं मिलेगी दूसरी जगह फरमाया فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فَتُكْوَى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون सूर तौबा में है और वो के जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राम में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब की जिस दिन वो तपाया जाएगा ये सोना चांदी जो अल्लाह की राम में ख़र्च नहीं किया इसको तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उससे दागा जाएगा उनकी पेशानियों को उनकी करवटों को उनकी पीठों को कि ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा जोड़ कर रखने का तुम खर्च नहीं करते थे ना अब मज़ा चखो कुरान ने बता दिया कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो ये जमा करना रखना उनके लिए अच्छा नहीं आइए अहादीस सुनाऊं कुछ आपको बुखारी और मुस्लिम में हदीस शरीफ मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह रावी के जिसको अल्लाह माल दे और वो उसकी ज़क़ात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा जिसके सर पर दो चितियाँ होंगी और वो सांप उसके गले में डाल दिया जाएगा वो सांप उसकी बाछे पकड़ लेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ जो तू अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था तिबरानी में इबन हिब्बान में इबन खुजैमा में रिवायत हजरत सोबान रदी अल्लाह तु वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जिस माल की जक़ात अदा नहीं की गई कयामत के दिन वो माल बड़ा सांप अजदहा बनकर मुंह खोले उस बंदे की तरफ दौड़ेगा तो वो शख्स डर कर भागेगा वो सांप उसके पीछे दौड़ेगा तो वो भागता हुआ शख्स जितना भागता जाएगा सांप उसका पीछा करता जाएगा बंदे को कहा जाएगा ये तेरा वो खजाना है जो तूने छुपा कर रखा था हजूर ने फरमाया जब अशदहा पीछे दौड़ेगा तो बंदा पूछेगा तू कौन है तो वो कहेगा मैं तेरा वो माल हूं जिसकी तूने ने जक़ात नहीं दी और तू छोड़ के मर गया था बंदा जब ये देखेगा कि वो अजदहा पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो अपना हाथ उसके मुंह में दे देगा तो वो अजदहा उसका हाथ चबाते चबाते सारा बदन चबा जाएगा मुसरत बाजार में बहकी में रिवायत मौजूद उमोमिन हजरत सैद आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तन रवी के ज़कात का माल जिस माल में मिलेगा उसे तबाह कर देगा यानी आपने जकआात नहीं दी हुई और वो पैसे भी आपके मिले हुए मिक्स हैं वो उसको भी ले जाएंगे तिबरानी में हदीस मौजूद सैदना फारूक आजम रदी अल्लाह तन रावी फरमाता फरमाया खुश्की और तरी में जो माल जाया होता है वो जक़ात न देने से ही जाया होता है या किसी का हक रोका होगा या किसी से जुल्म किया होगा कहीं कुछ होगा अल्लाह की राम में ख़र्च नहीं किया तो ही ज़ाया होता है तिबरानी में हज़रत इबन मसूद रावी रदी अल्लौन वो कहते हैं हज़ूर ने फरमाया हमें हुक़्म दिया गया कि नमाज़ पढ़ें और ज़क़ात दें और जो ज़क़ात नहीं देता उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती इस बहानी में रिवायत मौजूद जो नमाज अदा करे और ज़क़ात न दे उसका कोई अमल उसका उसके काम नहीं आएगा फरमाया हब्ब माल ध्यान से सुने माल की महब्बत और हुब शरफ़ ओदा मिल जाए मुझे कोई शान मिल जाए ये आदमी के दीन को ऐसा तबाह करती है माल की मोहब्बत या यादे की मोहब्बत के दो भूखे भेड़िए रेवड़ में छोड़ दें वो इतनी तबाही नहीं करते जितनी ये माल की मोहब्बत और जो है ना कि मैं मेंबर बन जाऊँ मैं वजर, वजीर बन जाऊँ ये बन जाऊँ ये जितना तबाह करती है मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद बहुत से लोग कहते हैं जी मौलाना साहब अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम अल्लाह की राह में देते हैं सुनो माल हराम से खैरात कबूल नहीं होती आपने नाजायज़ ग़लत चीज़ बेच के पैसे कमाए आराम कमाया नशा बेच के कमाए जुआ खेल के कमाए लॉटरी कमाए या आपने भत्ता लिया रिश्वत ली उस पैसे से खैरत की जा सकती सुने क्या मतलब सवाब की नीयत से कि मैं इसमें से जक़ात दे दू ना हराम से सदका करे तो मकबूल नहीं खर्चा करे तो बरकत नहीं छोड़ के मरे तो सामान जहनम मसला सुन लें सूद है रिश्वत है जुआ है हराम जो कमाई ऐसी है वो बगैर सवाब की नीयत के किसी मुस्तह को दें बजा लें और तवज्जो अगर आपके पास कोई हराम माल है जल्दी से उसको अपने आप से दूर करें बग़ैर सवाब की नीयत के किसी चैरिटी को दे दें किसी इदारे को दे दें मुस्तक को दे दें बगैर सवाब की नीयत के अगर आप वो रखते हैं और कहेंगे नहीं जी मैं इससे मदद करूंगा मुझे सवाब होगा तो ऐसी कोई बात नहीं मैं उसकी मिसाल क्या देता हूं माल हराम हराम माल से खैरात करना ऐसा जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना और गंदा करेगा या नहीं करेगा पूछ रहा हूँ पहले नापाक ऊपर पेशाब से धोएंगे तो और गंदा करेगा यानी मजीद पली होगा हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती हराम खाने वाले की दुआ ध्यान दे मेरे जुमले पे आराम खाने वाले की दुआ सारे लीडर सियासतदान ये सारे जितने रिश्वत लेने वाले बत्ता लेने वाले ज़बरदस्ती जबरी टैक्स लेने वाले क्या करेंगे ये सोचा आपने कभी कि मियाँ शादत में इमाम गज़ाली ने इसको नकल किया ध्यान से सुने हदीस शरीफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि आदमी का दीन महफूज नहीं रहेगा दीन बचाना मुश्किल हो जाएगा जगह जगह भागेगा खुद को यूं छुपाता फेरेगा जैसे लूमड़ी खुद को छुपाती है साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल अल्लाह ऐसा ज़माना कब आएगा फरमाया जब रोज़ी बग़ैर गुना के नहीं मिलेगी जब रोज़ी बग़ैर गुना के नहीं मिलेगी क्या मतलब ज़रिए हराम होंगे तरीक़े हराम होंगे फरमाया उस वक्त लोगों से सेलीहदा रहना हलाल होगा साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ये कैसे होगा आपने हमें निकाह का हुक्म दिया घर बसाने का हुक्म दिया फरमाया उस वक्त आदमी की हलाकत वालदेन के हाथों से होगी अगर वालदेन मुर्दा तो फिर बीवी बच्चों के हाथ से होगी वो भी नहीं होंगे तो रिश्तेदारों के हाथों हलाक होगा वो उसे तंग दस्ती पर मलामत करेंगे क्या है तेरे पास क्या किया तूने वो उससे ऐसी चीज़ें मांगेंगे जिसकी उसमें ताकत नहीं होगी जी मुझे टीवी लाके ला के दो मुझे हीरे ला के दो मुझे ये ले के दो मुझे वो ले के दो उसके पास ताकत नहीं होगी वो उनके मुतालबे पूरे करने के लिए नाजायज जरिए इख्तियार करेगा रिश्वत लेगा बत्ता लेगा सूद लेगा तो खुद भी हलाक होगा और दूसरों के लिए भी हलाकत का सबब बनेगा सुन रहे हैं आप मैं ये हदीस जब भी सोचता हूँ सिर्फ पढ़ता बोलता नहीं सोचता हूँ तो भी हिल जाता हूँ इस हदीस को आप भी सुने बेहकी में रिवायत मौजूद फ़रमाया नबी पाक सल्ला वसम ने क़्यामत के दिन बंदा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक उससे चार सवाल नहीं हो जाएंगे पहला सवाल उम्र ज़िंदगी किस काम में गुज़ारी दूसरा जवानी कैसे गुजारी तीसरा माल किस तरह कमाया और किस तरह ख़र्च किया चौथा अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया कितनी सख्त बातें और हम लोग क्या हाल है हमारा बिल्कुल गाफिल भूले हुए अल्लाह हमें फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार औरतें थी आई जेवर पहना हुआ था फरमाया जक़ात देती हो या नहीं अगर जक़ात नहीं दोगी तो यही जेवर तुम्हें तो जहनम में ले जाएगा बुखारी में हदीस मौजूद फरमाया आदमी पर ऐसा जमाना आएगा आदमी परवाह नहीं करेगा कहां से चीज हासिल कर रहा है यानी हलाल आराम की परवाह नहीं करेगा बस कहेगा आने दो हदीस शरीफ फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह उस शख्स के सदक़े को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सलूक करने के मोहताज हों और यह गैरों को दे कयामत में अल्लाह उसकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा मैं दूसरों को दूंगा फ़ोटो बनेगी अखबार में आएगी मेरा नाम होगा अपनों को दूंगा तो क्या होगा तो अपने मुस्तक उनको देना है गैरों को बाद में सबसे पहले किसको देना है रिश्तेदारों को करीब में मगर शर्त है कि वो अक़ीदे के खराब ना हो जो जकवात नहीं देता हदीस शरीफ है वो यहूदियों और ईसाइयों की तरह है यानी सही मुसलमान ऊँची आपने इतनी बातें सुनी मैं फिर एक मरतबा आपको समझा दूं हमारा दीन दौलत मंद को बुरा नहीं कहता दौलत कमाने को बुरा नहीं कहता दौलत की मोहब्बत को बुरा कहता है खजाना कारून के पास भी था खजाना हजरत उस्मान के पास भी था उसने क्या किया वो अपने खजाने समेत जमीन में धसा दिया गया कुछ पा सका नहीं और हज़रत उस्मान ने अपने खजाने से बार बार जन्नत खरीदी इस्लाम यही चाहता है लोग मेहनत करें तिजारत करें हदीस शरीफ फरमाते तिजारत में बरकत है तिजारत करो रोजी के दस हिस्से हैं नौ हिस्से तिजारत में है कम ज्यादा होता है कभी इम्तिहान होता है कभी आपकी लापरवाही लेकिन तिजारत में बरकत रखी है तिरमजी शरीफ में हदीस मौजूद फरमाए जो तुम खाते हो उसमें सबसे ज़्यादा पाकिज़ा वो जो तुम्हारे कसब से तुम्हारी मेहनत से हासिल हो और तुम्हारी औलाद भी मिन जुमला कसब के है यानी उनसे कमाई में मदद बच्चे हों तो ये ना समझो कि जी ये तुम्हारे सिर्फ बच्चे हैं बल्कि ये तुम्हारी कमाई है इनको मोमिन भी बनाओ उनसे मेहनत भी करवाओ अक़ीदे भी सही रखो उनका किरदार भी सही रखो अगर ऐसा होगा तो वो बख्शिश का सबब बनेंगे आप बच्चों को बिगाड़ देते हैं लाड में फिर उसके बाद वो काबू नहीं आते हैं ख़ुद भी खराब होते हैं दूसरे भी उनको भी ख़राब कर देते हैं नाजायज़ कमाई से मना करता है इस्लाम किस चीज़ से मना करता है और जो मिल जाए हम उसके मालिक नहीं अमीन हैं मालिक के हुक्म के मुताबिक अमानत में आप तसरफ कर सकते हैं सदका देने वाले की कोशिश होगी कि मेरा असली कैपिटल सेफ़ रहे नफ़े में से जाए मुनाफ़े में से इसलिए ज़्यादा मेहनत करेगा इकतदी फ़ायदे भी होंगे माल भी पाक होगा और मोमिन को सवाब का लालच होता है हमें क्या बताया गया अलका से बबीबुल्ला मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा है मैंने यह हदीस हदीस की किताबों में तो नहीं पढ़ी एक किसी और किताब में पढ़ी एक शख्स आया उसके हाथों पे गट्टे पड़े हुए थे मेहनत कर करके ना हाथों पेजू ने फरमाया ये क्या है? उसने कहा मजदूरी करता हूँ फरमा हाथ इधर ला मेरे नबी ने उसके हाथ चूम लिए इज्जत की बात है कमाना बुरी बात मशहूर बात है एक शख्स आया मांगने के लिए उसको आपने रस्सी और कोलाड़ी दे दी जा लकड़ियाँ काट और शहर में ला के बेच बजाय मांगने के ये काम कर तीन दिन में वो मांगने वाला देने वाला बन गया तो मेहनत से घबराना नहीं चाहिए छोटा काम हो बड़ा काम हो मेहनत करनी चाहिए अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है सुनो मेरे नबी मालिक कौन हैं दो जहान के मालिक हैं मगर क्या दुआ करते हैं अल्लाहनी मस्किनन व अमित मस्किनन व शुरनी योमल़िया जो मारा तिलमसिन याल्ला मुझे मस्किनी की हालत में ज़िंदा रखना मुझे मस्किन की हालत में मौत देना और कयामत में मस्किनों के साथ ही हशर करना ये मेरे नबी फरमा रहे हैं कौन जिनकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने तयनात उनके लिए बनाई है वो क्या कहते हैं या एक दिन मुझे खाने को दे एक दिन भूखा रख जिस दिन खाऊं तेरा शिक्र अदा करूँ जिस दिन फाका हो तेरी याद में रोता रहूं उन्होंने मालिक कौन हो के दुनिया को इख्तियार आप क्या समझते हैं उनको दुनिया मिलती नहीं थी एक होता है इख्तियारी गुर्बत एक होता है इजतरारी गुरबत इजतरारी गुरबत का मतलब कुछ मिल नहीं रहा नहीं खुद फरमाते हैं लौशी तो लसारत मैया जबाल जहब मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन जाए जब मैं चलूं तो मेरे साथ साथ चले जूर चाहते तो क्या नहीं होता मगर ऐसा पसंद नहीं, नहीं। चटाई पे लेटे हुए हजरत उमर आए हजूर के जिस्म पर उस चटाई के निशान बने हुए हजरत उमर रोने लग गए ये काफिरों को देखें नरम नरम गालीचों पर रेशमी गालीचों पर बैठते हैं और आप मालिक है कौन एन ओके ऐसा फरमाए मैंने दुनिया को इख्तियार नहीं किया, नहीं किया। आज हमें क्या हो गया मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आसाइशें नहीं लो लेकिन शुक्र करना तो सीखो इतनी नेमतों के बावजूद हमारे मुंह पर शुक्र जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं मिली उसे कुछ भी नहीं मिला नबी पाक मालिक कौन हैं मगर दुनिया को पसंद दुनिया को इख्तियार नहीं किया इज तो देखो अल्लाह अकबर तकिए के बदले ईंट या पत्थर और सरवर आलम का सरे अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सल्लल्लाहु कभी पत्थर का तकिया कभी ईंट का तकिया के कौन हैं नो के खाक पे लेट जाते हैं बोरिए पे लेट जाते हैं बोरिया था आपका बिस्तर घर वालों ने उसको चार मरतबा तय कर दिया डबल की बजाय चार मरतबा तय कर दिया फरमाया मेरा ये बिस्तर किसने इस तरह किया था मुझे उठने में तकलीफ हुई है क्या मतलब नरम हो जाए तो उनको ये पसंद नहीं था वो कौन क्या है उनका हाल खाना जो खाना जो की रोटी अनछना आटा रोटी मोटी वो भी शिकम्बर रोज ना खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु क्यों ये के उनको मिलता नहीं था नहीं कब्जे में जिसके सारी खुदाई उसका बिछोना एक चटाई नज़रों में कितनी हेच है दुनिया सल्ला सल अलहे वसल्लम सल्ला सल सल्लल्लाहु मालिक दिनों दुनिया होकर दोनों जहां के दाता होकर फाके से हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु कितनी मरतब आपको सुनाया दो दो महीने नबी पाक के घर में चूल्हा गर्म नहीं होता ये नहीं कि गैस नहीं आती थी या लकड़ी नहीं थी नहीं कुछ पकाने को नहीं होता था उम्र मुमिन फरमाती हैं कभी खजूर मिल जाती थी कभी पानी मिल जाता था दो काली चीजों पे गुजारा खजूर पर या और कभी थोड़ी खजूरें खाना पानी पी कर फिर रह जाना दो दो महीने यूं ही गुजारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम वसल्लम। मैं वाकयात पढ़ता हूँ मुझे नहीं मालूम इसकी सेहत का लेकिन मैंने पढ़ा तिरसठ बरस जाहिरी तौर पर यहाँ रहे चौदह शेर जौ खाए तो जिनके सदक़े में हम क्या क्या, क्या क्या नहीं खा रहे उन्होंने किस तरह गुजारा और हम शिक्र नहीं करते हजरत सैयद फातमा जहरा रदी अल्लाह तहा मैंने आपको शायद सुनाया उन्होंने रोटी पकाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के साथ ही रहती थी पहले घर दूर था तो हुजूर ने चाहा कि मेरी बेटी मेरे करीब आ जाए दूर ना रहे कुछ फासले पर था थोड़ा सा तकरीबन समझ लें फरलांग दो फरलांग का फ़ासला नबी वो भी नहीं चाहते थे कि बेटी करीब रहे मस्जिद नबी के साथ ही एक साहबी का था उनसे कहा उन्होंने फ़ौरन दे दिया साथ रहती थी साथ बिल्कुल घर जुड़ा हुआ था रोटी पकाई रोटी पका के हुजूर के पास आ गई फरमाया बेटी ये रोटी कैसी अब्बा जान तीन दिन के बाद घर में आटा आया मैंने रोटी पकाई मेरा जी नहीं चाहा कि आपके बगैर खाऊं और मैं तेरे बाप ने भी तीन दिन से कुछ नहीं खाया कहां से लाओगे ये किरदार मैं बार बार कह रहा हूं ये ना समझना कि उनको मिलता नहीं था उनकी ठोकरों में दुनिया थी तख्त भी उनका ताज भी उनका दोनों जहां में राज भी उनका जिन्हों मलक हैं उन कैसे पाही सलू अलहे वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अल्लाह आपको अल्लाह ने जितना दिया उसपे उसका शुक्र करो शुक्र की आदत आपको शिकायत की आदत है शुक्र की आदत अपनाओ जितना अल्लाह ने दिया है उसकी राम में देना पड़ जाए तो कभी तंग दिल तंग दिल फरमाइश है सुना देता हूँ पंजाब की एक बहुत बड़ी मशहूर दरगाह नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग समझने से ज़्यादा दूसरे ख्यालात में चले जाते हैं बात है बहुत पुरानी दो ढाई सौ साल पुरानी बात एक साहब हज पर जाना था उस जमाने में लोग लोगों से छुप के हज पर नहीं जाते थे कि पैसे मार लिए हैं तो चलो हज को चले जाएं मिल के जाते थे सफर लंबा होता था मुश्किल होता था पता नहीं वापस आना है या नहीं आना माफी तलाफी करके जाते थे इलाके में एक अल्लाह वाले थे ये एक आलिम थे जो हज पे जा रहे थे उन्होंने कहा इन अल्लाह वालों को भी सलाम कर लूँ गए उनके पास मैं सफर पर जा रहा हूँ हज के कोई कोताही हो गई वो माफ़ कर दीजिएगा Allah वालों ने कहा मुबारक हो आपको सफर अल्लाह मुबारक करे आसान करे कोई नसीहत बुजुर्गों ने फरमाया अला को अपने से बेहतर समझना चाहिए अल्लाह को अपने से बेहतर समझना चाहिए लोग तो बराबर भी नहीं समझते लोग तो मौलाना साहब कहने लगे पीर साहब क्या हो गया आपको क्या कह रहे हैं आप ये जुमले आप जो बोल रहे हैं आपको ख्याल है क्या बोल रहे हैं फरमाया अगर हो सके तो ध्यान देना कि मैंने क्या कहा है समझने की कोशिश करना उन्होंने कहा ये तो बड़े गलत जुमले फरमाया समझने की समझने की कोशिश करना। वो कहने लगे क्या जुमले ही गलत है तो समझना फरमाया बहरहाल आप आए हो खादिम को बुलाया मौलाना साहब को किसी जगह आराम करवाओ खाना खिलाओ वो कमरे में ले गया आराम के लिए उसने बिस्तर बिछा दिया ट्रे भर के खाना ले आया जो थाल था भर के खाना ले आया लंगर की दाल भी थी उसमें लेकिन मौलाना साहब के लिए स्पेशल खाना आया खाना सामने जब आ गया तो उन्होंने बिसमिल्ला पढ़ के खाना शुरू किया दरवाजे पर उस कमरे के दरवाजे पर एक शख्स आ गया अल्लाह के नाम पर किसके नाम पर फॉर गॉड सेक आपके यहां इंग्लिश वाले कहते हैं अल्लाह के लिए फकीर क्या कहता है आपसे आके ऊंची फतवा लगाया करो ना उस पर क्या लगाया करो क्योंकि मैं शाह शेख कादिर जीलानी शै अल्ला मैं गौसे पाक को कहूँ अल्लाह के लिए कुछ दो तो फतवा लगाते हो वो जो अल्लाह के लिए कह के मांग रहा उस पर फतवा नहीं लगाते हो उसको देते हो कुछ समझ आ रही है बात इशारा किया है मैंने समझाने के लिए ये फतवे लगाने वालों को समझ नहीं वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने कहा ये आस्ताना है यहाँ लंगर है सबके लिए खाने का इंतजाम तो जहां लंगर में खाना खिला रहे हैं तो वहां जाके खा ले उसने कहा ये जितना खाना है ये आप अकेले से खाया नहीं जाएगा मुझे थोड़ा सा दे दो अल्लाह के नाम पर इनको अच्छा नहीं लगा मैंने कहा वहां जाके खा ले तो आगे से दलीलें दे रहा है बातें कर रहा है वो बैठा हुआ है अब ये इनसे खाया भी ना जाए कि वो देख रहा है तो जो लंगर की दाल थी ना उसकी तरफ ऐसे ही बढ़ा दी अदब से वो भी नहीं दी और ऐसे ही बढ़ा दी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो ली और खा के चला गया शुक्र करके इन्होंने जनाब ठीक ठाक अपना खाया कभी कभी तरबियत चाहिए होती है ये ना समझो किसी मौलवी को हल्का ना जान लेना तरबियत की ज़रूरत होती है मरहले होते हैं खाना खा के आराम किया जब उठे जाने लगे फिर पीर साहब के पास आए हजरत जी बहुत मेहरबानी मैं अब जा रहा हूं कोई नसीहत फरमाया अल्लाह को अपने से बेहतर समझो लोग तो बराबर भी नहीं समझते उसने कहा आपने पहले भी ये कहा था ये जुमला दुरुस्त नहीं है अच्छी बात नहीं है अभी गलत फरमाया मैंने कहा था इसको समझना उसने कहा जुमला गलत है फरमाया ये बताओ आपकी खिदमत खातिर तवाज़ो सही हुई उन्होंने कहा जी बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास कमरा भी बिस्तर भी खाना भी सब कुछ ए वन वी आई पी फरमाया जब खाना आया था कोई मांगने वाला तो नहीं आया था जी आया था किसके नाम पर मांगा उसने अल्लाह के नाम पर आप अल्लाह को अपने से बेहतर समझते सारा खाना उसको पेश कर देते अल्लाह को अपने से बेहतर समझते तो सारा खाना उसको पेश कर देते आपने तो बराबर भी नहीं समझाया समझा के साथ बिठा के खिता खिला लेते मुझ पे कहते हो मैं जुमले गलत बोलता हूं मैंने पहले कहा था ध्यान दें समझें हम लोग क्या है आप अपने आप को आजमा लीजिए मैं और आप कोई भिकारी आता है अल्लाह के नाम पे मांगता मैं पेशावर भिकारियों की बात नहीं कर रहा मसला समझा रहा हूँ पेशावर भिकारी नहीं कोई आया मांगने कहता अल्लाह के नाम पर आपको उसका मांगना अच्छा लगता है जी नहीं मगर आप देखते हैं कि जी ये इसकी हालत ऐसी है मजबूर है मांग रहा है आजकल के हिसाब से आपके पास तो नोट ही सी, सीधा सीधा दस रुपए का रह गया उससे छोटा नोट ही नहीं रहा सिक्का निकाला आपने चले पांच रुपए का सिक्का दे दिया उसने लिया उसने देखा पांच रुपए की तो रोटी भी नहीं आती रोटी का टुकड़ा नहीं आता उसने कहा अल्लाह के नाम पर अब आप वो दोबारा मांग रहा है तो आपको अच्छा दे दिया ना बस वो कहता जी इसका कुछ नहीं आता आप भी सोचते चले जी आपने और दे दिए पांच दस हो गए उसने अगर तीसरी मरतबा मांग लिया तो आप चुप नहीं रहते बस भाई जाओ हो गया जो हो गया कमाया करो मेहनत करो मांगना अच्छी बात नहीं आप इस तरह की बातें कर देते हो ऐसा ही है या नहीं है ऊंची किसके नाम पे मांग रहा है वो लीजिए जी आपका बेटा आया अबू आइसक्रीम खानी है सस्ती से सस्ती कितने की मिलती होगी तीस चालीस रुपए की तो होगी ना कम से कम आप फौरन निकाल के देते हो या नहीं उसने ली जनाब जाके आइसक्रीम ली आइसक्रीम लेकर वो खाता हुआ आया उससे गिर गई और रोता हुआ आया जी आइसक्रीम गिर गई आप दोबारा देते हो या नहीं बेटा प्यारा है या अल्लाह सोच के बोलना सोच के बोलना आपने कहा अल्लाह प्यारा है तो उसने दूसरी मर्तबा मांगा आपको बुरा लगा तीसरी मर्तबा मांगा बहुत बुरा लगा बेटा से बेटे से प्यार ज्यादा है अल्लाह से प्यार ज्यादा नहीं है नहीं है अमल हमारा बता रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे पैसे अल्लाह की राह पे दे दो औलाद को ना दो मगर एक रुपया भी दो खुश दिली से तो दो अच्छे दिल से दो आप तो दिल तंग करके देते हो बेटे की शादी पे खर्च करेंगे दूसरी नुमाइश पे खर्च करेंगे मस्जिद को मदरसे को दीन वालों को देना पड़े तो हमारे पास पैसे निकलते ऐसा ही है या नहीं है पूछ रहा हूं है? शादियों में कहां, कहां कितने उड़ाते हैं और जी महर कितना जी शरा मोहम्मदी बाकी सारे काम शरा मोहम्मदी वाले कर रहा है वो जो लोगों पे लुटा रहे हैं तो सोचना चाहिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों हम पैसा कमाएं जितना भी हो जायज़ कमाएं अल्लाह की राह में दें वाब ही सवाब देखो ना बाद दरख्त होते हैं उनमें अज़ाय फ़ासदा ख़राब हिस्से भी जिसको आप फंगस वगैरह कहते हैं हो जाते हैं जो दरख्त की उठान को रोक देते हैं तो कोई आकर कैंची लेके वो काटे तो वो इसलिए काटने से रुक जाए कि दरख्त कम हो जाएगा तो लोग कहेंगे ये काटना जो है ये बढ़ने का सबब है इस कटाई की वजह से इसकी लहलाहट ज़्यादा होगी इसमें खूबी ज़्यादा आएगी यही हिसाब उस माल का है जिस पर ज़क़ात लाजिम हो गई अगर आप जक़ात अदा करेंगे माल महफूज होगा और बढ़ेगा वादा किसका है अल्लाह देखो ना इंसान की अकल के लिए तुखम बीज को कहते हैं सीड को बीज को तुखम तुख गंदम पास नहीं है बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर दाना लिया जमीन में डाल दिया इतने पैसे दे के दाना लिया और क्या किया खाक में मिला दिया अब ये कहते हो ना सारे पैसे खाक में मिला खाक में मिला दिया मगर आप कहते हैं ये खोया नहीं है ये पाने का जरिया है ये पाने का इस दाने से जो आगे निकलेगा इस बीच से जो कुछ निकलेगा वो कमाई होगा तो क्या उस किसान के बराबर भी अकल नहीं है अल्लाह फरमाता माल बढ़ेगा तो हमें यकीन रखना चाहिए टैक्स देंगे भत्ता देंगे रिश्वत देंगे सूद देंगे जुर्माना देंगे ये सब जबरन भी जबरदस्ती भी लिया जाएगा देंगे हालांकि मजबूरी दे रहे हैं कोई फायदा तो नहीं है ना लेकिन दे रहे बज़ाहिर नुकसान है गवारा है जक़ात क्यों नहीं देते अजीब बात है जी जक़ात मैं दूंगा तो जी वो माल कब हो जाएगा तो बाकी जगहों पे दे रहा है वहां तो वाकई कम हो रहा है यहां बढ़ता है हमें बताया गया कि तुम अल्लाह की राह में दोगे सवाब भी होगा फायदा भी होगा आगे काम भी आएगा देखो खर्च के तीन तरीके बताए गए हमें इंसान जो कमाता है उसको खर्च करने के कितने तरीके हैं है इंफाक एक है इसराफ एक है तबजीर जायज़ खर्च करना इफ़ाक फजूल खर्ची करना इसराफ़ गलत खर्च करना तबजीर और जो गलत ख़र्च करते हैं कुरान ने कहा इन इनमुबर अकानू अखवा शयातीन वो शैतानों के भाई हैं आपको वैसे कहे कि तुम शैतान के भाई हो आपको गु़स्सा आ जाएगा मगर काम वही कर रहे हो आप तो नाजायज़ खर्च से बचना बचना चाहिए और फ़ूल ख़र्ची भी अच्छी बात अल्लाह पसंद नहीं करता हम लोग ज़्यादा ही कुछ हो गए हैं आजकल फजूल ख़र्च जो ज़रूरत है उस वो करते नहीं दूसरा करते हैं सुने हमें चाहिए हम अल्लाह की राह में जब भी दें भले थोड़ा हो लेकिन दिल में खुशी हो और रब का शुक्र हो रब का सीखना हो तो सूफियों से सीखो कैन से मैं असली सूफियों की बात कर रहा हूँ बनावटी नहीं जो खुद बने हुए सूफी उनकी नहीं असली सूफियों की फ़की समझदार को कहते हैं दीन की समझ वाला वो क्या कहते हैं फुकाहा का मसलक है शरीयत का हुक्म है सौ पे ढाई रुपए दे दो सौ पे जो सूफी हैं वो कहते हैं साढ़े सत्तानवे दे दो ढाई रख लो शरीयत क्या कहती है ढाई दे दो साढ़े सतानवे रख लो तरीक़त शरीयत की वो मगज़ वो कहती है सूफी क्या कहते हैं साढ़े सतानवे दे दो और एक इससे अगला दर्जा है मोहब्बत का वो कहते हैं सब कुछ दे दो जान भी नजराना कर दो माल भी दो जान भी दो औलाद भी दो अपनी जान भी नजराना कर दो और इस पर अमल किया है तो सिद्दी के अकबर ने किया रदी अल्लाह तजरत शरफ उद्दीन याहिया मुनीरी बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं वो फरमाते हैं सूफिया वो कहते हैं इस गिरोह ने अपनी जानो माल को हार दिया है और अल्लाह के सिवा किसी से दिल नहीं लगाया ये सूफिया के ग्रोह का कहना है दरवेश वो जिसका माल वक्फ जिसका खून माफ और उसको अपनी जानो माल पर कोई दावा ना हो अगर लोग उसका माल उठाकर ले जाए तो खुश होकर कहे अलहदुल्ला क्या कहे उसके और रब के दरमियान ये माल का जो एक पर्दा पड़ा हुआ था वो उठ गया वो कहते हैं यहां तक कि दुनिया की दौलत जमा करके ज़क़़त देना कोई अच्छा काम नहीं है कि मैं जमा करूं ताकि जक़ात दूं वो कहते हैं क्योंकि बखालत कंजूसी तारीफ के काबिल नहीं कि एक साल में 200 सौ देरम जमा हो फिर वो साल भर जमा रहें तब जाकर पांच देरम उनमें से सदक़ा किए जाएं वो ये कंजूसी की बात है वो कहते हैं हम जमा नहीं होने देते इधर से आते हैं उधर दे देते हैं जमा ही नहीं होने देते अपने ऊपर जक़ात फर्ज नहीं आया खर्च करते रहो चीज़ का सही जगह इस्तेमाल बरकत है इस्तेमाल में ना आए या फजूल खर्च हो या ज़ाया तो बेबरकती होगी लोग अक्सर पूछते हैं मौलाना साहब पैसा है सुकून नहीं है डिप्रेशन रहता है हर वक्त टेंशन लगी रहती है और ये डिप्रेशन की वजह मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या बोलते हैं मुझे शरीयत ये बताती है मुँह से गलत लफ्ज निकले या गलत लुकमा जाए तो डिप्रेशन होता है ये डिप्रेशन बेजारी को कहते हैं आपकी ऐसी कैफियत के आपका दिल नहीं लग रहा सुनो रकम दवाओं पर खर्च करने वालों अगर आपने गैर मशरफ़ में गलत जगह खर्च की तो क्या फ़ायदा हुआ अल्लाह की राह में दो बीमारी आने ही नहीं पाएगी खर्च करके तो देखो है हजूर के पास एक शख्स आया नींद ही आ रही फरमाए तेरे पास माल होगा उसने कहा जी फरमाया जब तक माल है तुझे सोने नहीं देगा उसने सदका किया बड़े मज़े से सो गए तो ये आपको परेशान रखती है मैं दौलत को बार बार कह रहा हूँ बुरा नहीं कह रहा दौलत की मोहब्बत बुरी है जक़ात अदा नहीं की तो कोई नफल भी कबूल मैं एक जुमला कहने लगा हूँ जो सूफ़ी हैं, जो तरीक़त तसव्वुफ को समझते हैं ज़रा ध्यान से सुने और ये फरमाने वाले गौसे पाक हैं गैब में हज़ू गौसे पाक रदी अल्लाह तु ने समझाया कि ज़क़़़़़त तो अदा नहीं की तो कोई नफल भी कबूल नहीं वो फरमाते हैं सुनो नफल करने वालों फ़र्ज नहीं पूरे करते हो फर्ज को छोड़ के नफलों पे लगे हो सुनो फरमाते मिसाल ऐसी है जैसे बादशाह बुलाए खिदमत के लिए कौन बुलाए और जिसको बुलाया है वो वहाँ ना जाए बादशाह ने बुलाया खिदमत के लिए बादशाह के पास ना जाए बल्कि बादशाह के ग़ुलाम की खिदमत में लगा रहे तो क्या समझदार है ऊंची तो जो फ़र्ज़ अदा नहीं करते नफलों में लगे रहते हैं उनका ये हाल है ओसपाक ने देखो कैसी मिसाल से समझाया जो लोग दुनियावी गरज से रफाही उमूर में खर्च करते हैं मैं पूछना चाहता हूँ वो फ़र्ज से क्यों गाफिल कोई आए जी फलाना इतना दे दो इतना दे दो जो फ़र्ज़ है आप सैलाब जदगान की मदद करो जलजला जदगान की मदद करो आप लोग हादसात में जो शिकार होते हैं उनकी मदद करो बीमारों की लेकिन ज़क़ात फर्ज है बाकी मदद तो की लेकिन फ़र्ज अदा नहीं किया तो फिर कुछ भी किया नहीं, नहीं। अवारफुलमुआारिफर सैदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की किताब उसमें एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा है वो फरमाते हैं वो बंदा बड़ा नादान ना समझ है जो कर्ज अदा करने से पहले तोहफा पेश करे कर्ज चुकाने से पहले तोहफा पेश करे जो जरूरी है वो करना जो जरूरी नहीं है वो क्यों कर रहा है जो तूने देना है वह तो दे नहीं रहा जो नहीं देना है वो दे रहा है तो वो कहते हैं वो ना समझ है वो समझदार नहीं फसल बोने वाले की क्या ख्वाहिश होगी पैदावार हो घर में आए नफ़ा मिले तो वो पहले बीज खाद पानी वगैरह के लिए खर्च करता है फिर इनाम पाता है तो ये दुनिया भी आख़िरत की खेती दौलत की मिसाल सब्जा जार की सी है काटा जाता है ज़्यादा चारा खाने वाला जानवर अलॉक हो जाता है पेट भर के खाए जानवर धूप में जुगाली करता रहे फिर फजला बाहर निकाल देता है फिर भूख लगी फिर खाया जो खुद को एक ही कैफियत में रखते हैं वो अपना हाल देखें मुझे एक मालदार दिखा दो एक मालदार मैंने एक फीसद नहीं कहा एक मालदार दिखा दो जो बीमार ना हो जिसको सौ फिक्रें ना हो जो परहेजी खाना ना खाता हो दिखा सकते हो ऊंची सबका यही हाल इल्ला माशाल्लाह तो अब हदीस कहती है जमा करने वाला माल क्या है दुनिया में जमा करना चाहते हो जमा करने वाला माल ईमान में मदद करने वाली बीवी शिक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जबान और हमने क्या जमा किया हुआ सोचें गौर करें मैंने आपको बताया इस्लाम की इस मुकदस जमात का निज़ाम दो तरह रूहानी और मादी मादी जकवात इसका माली सरमाया क़याम जमात के लिए इसी लिए हज़रत अबू बकर ने मुनक्रीन ज़क़़त से जिहाद किया कि निज़ाम दरम बरम ना हो हम ज़क़़त देकर पाकि हासिल करते हैं ख़ुद पाक होते हैं क्या मतलब उसकी वजह से जो वो मैल हम में आ जाती है वो मुराद है अब हमें अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह की राह में खर्च करने को हम पसंद करेंगे या नहीं आपके पास दौलत आ जाए लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे आप उनको देना शुरू कर दो वही वफादार हो जाएंगे इस्लाम ने कितना बेहतरीन निज़ाम रखा है अल्लाह से मोहब्बत की जाए अल्लाह की राह में देने से दिल में माल की मोहब्बत नहीं आएगी नफ्स जंग नहीं होगा कौमी हमदर्दी का जज्बा भी उभरेगा फर्द की बजाय ग्रुप यानी पूरी जमात के मफाद उजागर होंगे अरे तवंगरी मालदार होना माल की कसरत का नाम नहीं दिल की बेनियाजी का नाम है दिल की अल्लाह वाले अल्लाह की राम में खर्च करते हुए घबराते ख़ुशी से करते हैं और उनको अल्लाह की राम में देना बहुत अच्छा लगता है बहुत हज़रत इब्राहिम खलील अल्लासम फरिश्तों ने कहा अल्लाह तूने इनको बहुत दिया इसलिए तेरा शुक्र करते हैं अल्लाह ने फरमाया मेरा खलील है हाल हाल में मेरा शुक्र करेगा फरिश्तों ने कहा अल्लाह इजाज़त है हम जरा जाए अल्लाह ने इजाज़त दे दी दो पहाड़ों के दरमियान बकरियाँ ही बकरियाँ हज़रत इब्राहीम एक पहाड़ी पर बैठे हुए की याद में सामने कितनी बकरियां हैं गिनी जा सकती इतनी बकरियां आप अल्लाह की याद कर अचानक सामने पहाड़ी से आवाज आई क्या आई क्या आई आवाज आई अल्लाह की तस्बी तस्बी के माने पाकी बयान करना किसी ने आके पढ़ा सुबुन कुन रबुना व रबुलमलाईकती वर्रो हजरत इब्राहिम चौंके आवाज़ कहाँ से आई बड़ी प्यारी है अल्फाज कितने प्यारे हैं आवाज़ कितनी प्यारी है कौन है वो सामने देखा वह तू बहुत अच्छा पढ़ा तूने मुझे एक बार और सुना दे मुझे बड़ा लुत्फ आया और सुना दिया दोबारा अब तीसरी बार फरमाइश करते हुए सोच रहे हैं कि ये कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए मैं तो अपने लिए पढ़ा तो तुम बार बार कहोगे तो मैं तो नहीं पढूंगा उसे कहा सुन तेरा पढ़ना बहुत अच्छा लगा है मुझे बहुत मज़ा आया है मेरा जी चाहता है तेरी ही आवाज़ में ये और सुनूँ ये देखिए ये सारी जो बकरियां ना ये मेरी हैं मैं तुझे दस बकरियां दूंगा एक बार और सुना दे एक बार एक बार उन्होंने पढ़ा दस दस बढ़ाते रहे बकरियां देते रहे रब की तस्वीर सुनते रहे शौक़ होना चाहिए ना शौक होना चाहिए महबूब का नाम भी महबूब का जिक्र भी प्यारा होता है गुफ्त मशक़ नाम लैला ला मी को नम मजनू को देखो हर वक़्त लैला 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 उससे कोई पूछता था आज तारीख क्या है जी लैला महीना कौन सा है जी लैला साल कौन सा है लैला इस शहर का नाम क्या है लैला ये सड़क क्या आ जाती है लैला हर सवाल का जवाब मौलाना रूम ने लिखा लैला मजनू को कोई फजूल आदमी ना समझना आप समझते हो मजनू कोई कहानी या हजरत इमाम हसन का दूध शरीक भाई है हजरत इमाम हसन के साथ दूध शरीक भाई है बड़ा वली अल्लाह था नहीं था। उसने ये तरीका इख्तियार किया लोगों को इसके सिखाने के लिए इसके मजाजी वो हर सवाल का जवाब क्यों? ने कहा हर सवाल का जवाब ले ला उसने कहा मुझे उसी से गरज है मैं उसका नाम ना जपू तो किसका लूंगा हमें अल्लाह का नाम लेना प्यारा होना प्यारा होना हर सांस से सांस अंदर जाए तो अल्लाह बाहर निकले तो ऊँची कोई भी सांस गफलत में न गुजरे सुना आपने मोहब्बत वाले हर सांस से अल्लाह अल्लाह जो दम गाफिल सो दम काफिर सुल्तान बहू दम कहते हैं सांस को जो दम गफलत में गुजरा वो कुफर में गुजरा जो दम गाफिल सो दम काफिर मैनू मुर्शिद ए हो पढ़ाया हूँ मुझे मुर्शिद ने यही सिखाया है कोई सांस गफलत में गुजारनी वो बकरियां देते रहे रब की तस्वीर सुनते रहे बकरियां खत्म हो गई बकरियां कोई अफसोस नहीं यार सारी बकरियां मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम सुनने के लिए दे बड़े खुश सुनो ये बकरियां चराना आसान काम तुम एक तरफ ले जाओ दूसरी तरफ जाती है आगे ले जाओ पीछे आती है बड़ा मुश्किल काम है तुमने कभी बकरियां नहीं चराई होगी ये तो हो गई सारी तुम्हारी सुनो मुझे साथ ले लो मैं तुम्हारी बकरियां चराया करूंगा तुम मुझे मेरे रब की तस्वीर सुनाया कर ओ शौक तो तब की बात या तेरा तस्केरा करे हर शख्स या कोई हमसे गुफ्तगु ना करे जिनको पसंद हो नबी का नाम सुनना महबूब का नाम सुनना वो यही कहते हैं ना अल्लाह ताला तोफी अता फरमाए बड़ी बात है बड़ा शौक़ होता है जिनको अल्लाह ताला हिम्मत दे बहरहाल याद रहे हम लोग अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की राम में खर्च करने से घबराना घबराना शुक्र करो कि उसने देने वाला बनाया मांगने वाला ऊंची हजरत इब्राहिम खाना अकेले नहीं खाते थे खाने का वक्त हो गया बाहर निकल के ढूंढते थे कोई मिल जाए तो साथ बिठा के खिलाओ और हमारी तो कोशिश होती है खाने के टाइम कोई हमें देखे भी नहीं कि हम कितने लुक में ले रहे हैं कैसे ले रहे फर्क है सुनो अल्लाह की राम में खर्च करने वालों सुनो कुरान सुनो अल्लाह ताला फरमाता है तरशात फरमात मसलीना सबी का मसलह हब्बा उनकी कहावत जो अपना माल अल्लाह की राम में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसे जैसे एक दाना जैसे एक हब्बा दाना अंब जब उस दाने को बो दिया जाता है तो वो दाना उगाता है वो दाना मसला बयान कर रहा हूँ वो दाना वो दाना उगाता उगाता कौन है अल्लाह फरमा रहा है अम्बत वो दाना उगाता है इसको कहते हैं नस्बत मजाजी इस क्या कहते हैं नस्बत उगाने वाला अल्लाह मगर अल्लाह फरमा रहा है वो दाना उगाता है तो वो दाने की नस्बत मजाजी जायज़ नबी की क्यों नहीं जायज़ वली की क्यों नहीं जायज़ मैं अगर कहता हूँ कौन देता है देने को मुंह तो नबी खुद फरमा रहे हैं नमां नक़ा से योती अल्लाह अता करने वाला मैं बांटने वाला कुरान में अल्लाह फरमाता व माँ आता रसूल फुजू और जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो ये कहते हैं नहीं तो इनको समझ नहीं आया हम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला सच्चा हल्ला अम्बत वो दाना उगाता है सात बाल कितने फीकुल्ले सुम बोला तिम्मी अतो हब्बा हर बाल में सौ दाना आपने दाना बोया उसने एक बाल उगाया उसमें सात बाल निकले जो सिट्टा कहते हैं पता नहीं आप लोगों को उसमें से सात बाल निकले हर बाल में सौ दाना वल्लाफुलयैयाशाह अल्लाह जिसके लिए चाहे और ज्यादा दुगना चौगना जितना चाहे यशा जिसके लिए चाहे कर दे जिसके लिए अल्लाह बढ़ा दे आपने एक रुपया दिया अल्लाह फरमा रहा है सात सौ चौदह सौ आगे कोई क़ैदी नहीं है जितना अल्लाह चाहे कम हुआ है या बड़ा है ऊंची बड़ा है मैं ये हदीस आपको सुना दूं अगर आपको समझ आ जाए इस हदीस को बड़ी कारा मतर शरीफ में हदीस है किसी को नंबर चाहिए तो तीन हज़ार तीन सौ उनहत्तर डबल थ्री सिक्स नाइन इस हदीस का नंबर अभी गूगल पर डालेंगे सामने आ जाएगी अल्लाह ने जमीन बनाई लम्मा खलक अर्द खलकल तमीद अल्लाह ने जब जमीन बनाई जमीन हिलने लगी ज़मीन फल जिबाल अल्लाह ने पहाड़ बना दिए जमीन का हिलना बंद हो गया फ आदबा अलह फकर जमीन का हिलना बंद हो गया फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये पहाड़ इतनी कुत वाले क्योंकि ये पहाड़ जितने ऊपर होते हैं उतने ही अंदर होते हैं आप लोग काट काट कर निज़ाम बिगाड़ रहे हो ये पहाड़ इतनी ताकत वाले इतनी शिद्दत वाले इतने जोर वाले जमीन का हिलना बंद हो गया याशद मिनल जबाल कुछ चीज तूने इन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकत वाली कुवत वाली जोर वाली बनाई अल्लाह ने फरमाया हाँ क्या है लोहा अलहदीद लोहे से पहाड़ काट लेते हो या नहीं काट लेते हो याल्ला पहाड़ से ज्यादा कुवत वाला लोहा लोहे से ज्यादा और ज्यादा कोई सख्त ताकतवर चीज फरमाया आग आग में लोहा गला देते हो ना है याल्ला आग से ज्यादा कोई और कुवत वाली चीज फरमाया पानी पानी आग बुझा देता है ना अल्लाह पानी से ज्यादा और ताकत वाली कोई चीज फरमाया हवा तूफान आते हैं ना कितनी चीजें हो गई जमीन बनाई अल्लाह ने पहाड़ पहाड़ के बाद लोहा लोहे के बाद आग आग के बाद पानी पानी के बाद फरिश्तों ने अर्ज की या इस हवा से भी ज्यादा कोई चीज ज़्यादा ताकतवर जोर वाली फरमाया आदम का बेटा मेरी राह में खर्च करे दाएं हाथ से बाएं को पता ना हो वो इससे ज्यादा ताकत वाली है जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनको बुरी मौत नहीं आती बुरी मौत से बचते हैं ज़क़त फ़र्ज़ है, है। मालिक निसाब को अदा करनी है मैंने ज़रूरी मसाइल आपको सुना दिए। किसी और के को मसले हों मैं रोज़ाना यहाँ होता हूँ तरावी में इसके अलावा वरना आजकल तो आपको इंटरनेट पे सहूलत मौजूद है पूछ लें मगर ज़कवात के मामले में कोताही नहीं कर। अच्छा जी दो मसले रह गए एक ही है कि जी बैंक ज़क़ात काट लेता है तो क्या वो अदा हो जाएगी अगर आप नियत करेंगे और वो सही खर्च करेंगे तो अदा होगी वरना नहीं होगी अगर वो गलत ख़र्च कर रहे हैं उनके यहाँ वजीर मैंने शुरू में बता दिया गलत को देने से अदा नहीं होगी किसी को मालिक नहीं बनाया अदा नहीं होगी आपको ये मसले याद रखने बदअीदा को दी भले सगे रिश्तेदार हैं अकीदा दुरुस्त नहीं है ज़क़़त अदा नहीं होगी और इसी तरह जब तक आपके पास है, आपने दी नहीं है वो अदा नहीं हुई तो कोशिश कीजिएगा बैंकों के हवाले से आपको बता दिया अब जो बैंक पर आपके सूद मिलता है वो सूद आप इस्तेमाल ना करें अलग करके किसी को बगैर सवाब की नीयत के दे दें जो सोना है आपके पास असली सोने पर है नगीनों पर नहीं है उसमें जो खोट मिला हुआ है उस पर भी नहीं ये सारे मसले बता दिए कुछ रह गए होंगे तो ज़रूर पूछ लीजिएगा अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए रमदान में एक और काम करना होता है फितरा सदका फितर क्या करना है ऊंची गई है जक़ात माल पर है ये सदका फितर माल पर नहीं अफराद पर है लोगों पर है इसमें रोजा भी शर्त नहीं है कि रोजा रखा है या नहीं।, नहीं भी रखा तब भी देना है हर वो शख्स जिस पर जक़ात अदा करना लाजमी है उस पर फितराना अदा करना भी लाजमी अगर आपने ये फ़ितराना अदा नहीं किया तो रोज़े अल्लाह की बारगाह में पेश भी नहीं होंगे कबूल होना तो दूर की बात है ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके रहेंगे हज़ूर नेलान फरमाया कि एलान कर दो सदक़ा फ़ितर का ये वाजिब है ईद की नमाज़ से पहले पहले देना है दो फायदे मुँह से रोज़े की हालत में कोई गलत लफ्ज़ निकल गए तो उसकी सफाई हो जाएगी और गरीबों को ईद से पहले मिल जाएगा तो वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे ये आप यकम रमदान से ईद की नमाज से पहले तक कभी भी दे सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ईद के वाले दिन ही देना है जितना जल्द देंगे लोगों को मिलेगा ताकि वो भी खुशी में शामिल हों अब फितरे के हवाले से हमारे लोग वहाँ फिर कंजूसी करते एक शख्स सुन लेता है कि दो किलो पचास ग्राम आटा दो किलो पचास ग्राम आटा यह कम से कम मकदार है सदक फितर की वो जनाब दो किलो पचास ग्राम की कीमत वो शख्स देता है जो महीने के बीस लाख कमाता है चालीस लाख कमाता है ज्यादा कमाता है वो भी दो किलो पचास ग्राम आटे की कीमत दे रहा है तुझे अल्लाह ने हैसियत दी है तो तू ज्यादा खर्च कर सा स्वाद अलिफ आन सा ये चार किलो का करीब होता है और नस्फ सा गंदम देंगे आटा देंगे तो दो किलो जौ देंगे खजूर देंगे किशमिश देंगे पनीर देंगे तो चार किलो समझ आ गई आम आदमी वो दो किलो आटे की कीमत दे जिसको अल्लाह ने बहुत बेहतर दिया है वो जौ की कीमत दे जो और ज्यादा है वो किशमिश या खजूर की कीमत दे मैं आपको बता देता हूँ इस साल दो किलो आटा जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है मिल रहा है नहीं मिल रहा है लाइन लग रही है जो भी है तीन सौ बीस एक आदमी का फितरा अपने घर के बच्चों की तरफ से भी देना है गोद का बच्चा उसकी तरफ से भी देना है बाप के जेरे के फालत या दादा के जेरे के फालत जितने है? तीन सौ बीस रुपये ये दो किलो आटे के हवाले से अगर जौ के हवाले से देंगे तो चार सौ अस्सी रुपये एक आदमी का फितरा जी मेरे पास यहाँ सामने ये जो लिखा हुआ है चार सौ अस्सी लिखा है हो सकता है खजूर या आला किस्म की खजूर हो ये देखें चले जो ज्यादा करे बहुत अच्छा जो के हिसाब से वो बता रहे हैं 800 खजूर 2800 रुपए एक आदमी का फितरा किशमिश अच्छी जो ये अंगूर खुश्क हो जाता है किशमिश पंजाबी वाले सौगी कहते हैं उसको रेज़न जिसको इंग्लिश में कहते हैं छः हज़ार चार सौ रुपया एक आदमी की तरफ से फितरा होगा अपनी हैसियत के मुताबिक दें फिदिया तीस दिनों का गंदम की कीमत वाला नौ हज़ार छः सौ रुपये जौ वाला उसके हिसाब से कि ये खजूर वाला चौरासी हज़ार चार सौ जिसने रोज़े नहीं रखे पूरे तीस और किशमिश वाला एक लाख बानवे हज़ार देगा कफारा जिसने रोज़ा तोड़ दिया जानबूझकर कर उन्नीस हज़ार दो सौ गंदम के हिसाब से खजूर के हिसाब से एक लाख अड़सठ हज़ार रुपये किशमिश के हिसाब से तीन लाख चौरासी हज़ार रुपये इसी तरह बाज़ लोग कसम का कफ़ारा पूछते हैं कसम उठा ली उसका कफ़ारा गंदम वाले के हिसाब से तीन हज़ार दो सौ और खजूर वाले के हिसाब से अट्ठाईस हज़ार और किशमिश वाले के हिसाब से चौंसठ हज़ार ये मैंने आपको बता दिया सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देना करीबी अगर वो मुस्तक हैं और अकीदे के सही हैं फिर पड़ोसी देखना फिर मोहल्ले वाले फिर दूसरे रिश्तेदार और ख़ास तौर पर सुन्नी इदारों को खास ख्याल रखना ये मौका होता है इस बहाने आप सफ़ेद पोश लोगों को भी नवाज सकते हैं मैंने उसकी ये तमाम चीज़ें तफसील बयान कर दी वाले साहब के बिला राम अलैह पूरी दुनिया में जाते थे पाकिस्तान में छोटे छोटे इलाकों में कितने मदरसे और कितने उन्होंने इदारे बनाए वहाँ के सफ़ीर आते हैं यहाँ प्राइवेट लोग शोरत की वजह से पता नहीं उन्होंने समझाया कि यहाँ को के पास कोई बैंक लगा हुआ है रोज़ ही कोई ना कोई आया होता है और दूसरे मेरा नाम ले भेज देते हैं क्योंकि कहीं और ऐलान नहीं होता है यहाँ भेज देते हैं तो जो लोग मेरे पास जमा करा देते हैं अपनी ज़क़ात फ़ितरा वो मैं उनको पहुँचा देता हूँ जो एतमाद करते हैं तो आप लोगों ने उसका भी ख्याल रखना भाई आमिद रब्बानी साहब ने ये जो स्कूल शुरू किया इसमें भी नादार बच्चों को वो, वो फ्री बगैर फ़ीस के चालीस हज़ार रुपया सालाना बच्चे का ख़र्च अगर कोई देना चाहे उसमें भी वो जिनको पैसे नहीं है जिनके पास तो आपने ये ख्याल रखना है आज पाकिस्तान में नौ नौ रमदान है क्या है ऊंची। कल क्या होगी दस, दस। पहला अशरा पहले दस दिन रहमत के अपनी गिनती पूरी करेंगे उसके बाद दूसरा अशरा मकफिरत का शुरू होगा कुछ लोगों ने मेहनत की तरावी पड़ी भूल गए पाँच रोज हम पढ़ ली बस बाकी पूरे महीने की हो गई नहीं पढ़ते मस्जिदों में कुछ लोग आए सुस्त पड़ गए अजीब बात है अजीब बात है खजूर का छोटा सा टुकड़ा मैं उनसे कहूँ रोजे से पाँच मिनट पहले खा लो तो कहेंगे नहीं रोजा टूट जाएगा सवाब चला जाएगा छोटा सा खजूर का टुकड़ा दो मिनट पहले वक्त से पहले खाने को तैयार नहीं आराम क्यों खाते हो लोगों का हक क्यों खाते हो दूसरों का माल क्यों उड़ाते हो ये न में सीख लो नहीं सीखोगे तो दुनिया आपके सामने जलजले भी आ रहे हैं सुनामियां भी आ रही हैं और तबाहियाँ भी हो रही हैं और हम मुसलमानों को होश नहीं है होश नहीं है मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को मुझे कल किसी ने क्लिप भेजा अमेरिका में हुई न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जहाँ पर एक इश्तार पर करोड़ों रुपए लगते हैं दुनिया का जाती है वहाँ देखने के लिए अमेरिका में वहाँ मुसलमान जमा हो के रोज तरावी पढ़ रहे हैं अजान दे रहे हैं और वहाँ जमा हो के सारी दुनिया के जितने वो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी हैं और यहाँ पर भी हैं लोग माशाल्लाह वो सिनेमा देख रहे हैं वो तमाशे देख रहे हैं वो मैच देख रहे हैं गवर्नमेंट को भी कोई और दिलचस्पी नहीं है सिवाय तमाशों की अल्लाह माफ करे कल दस रमदान योम बाबुल इस्लाम इस इलाके में एक शहजादा आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम आजकल लिबरल्स इलाहा करने वाले उसके नाम को ख़राब करने के लिए बदनाम करने के लिए गलत बातें उसकी तरफ लगा रहे बारह हजार का लश्कर लेकर सत्रह साल का नौजवान था वो आया और मुल्तान तक उसने इस्लाम के झंडे लगाए चूँकि वो इस दिन दाखिल हुआ इसलिए इसको योम बाबुल इस्लाम कहा जाता है इस्लाम आया इस इलाके में बहारें आईं आज यहाँ के लोग इस्लाम से आपको खाली करने में लगे हुए हैं दुनिया को बता दो नबी के ग़ुलाम नबी का दामन छोड़ सकते हम दुनिया छोड़ सकते हैं नबी का दामन छोड़ सकते नहीं। ये अमल से दिखाना होगा सिर्फ नारों से नहीं हमने साबित करना होगा दस रमदान योम वे साल इस्लाम की सबसे पहली खातून सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जौज मोतरमा मोमिनों की पहली माँ हजरत सैदा खदीजलकोबरा रदी अल्लाह तह गुज़ारे रिफाकत पे लाखों सलाम पच्चीस साल नबी पाक के साथ रही कितना अरसा पच्चीस छब्बीस साल लेकिन सारा माल नबी पे खर्च किया दिन रात नबी की खिदमत की बड़ी शान वाली हजूर फरमाते हैं खतीजा के लिए अल्लाह ने जन्नत में जमुरत का महल बनाया है अमीन आते और आके कहते अल्लाह फरमाता है अपनी जोजा हज़रत खदीजा को मेरा सलाम फरमाए नबी पाक की जानसार वफ़ादार खिदमत गुजार वफा शार वो मुक़दस खातून और हज़रत सैदा की माँ है नबी पाक की औलाद की वालदा और खुद भी जन्नत की औरतों की सरदार है चार खवातीन हैं ना उनमें वो भी शामिल उनका विसाल हुआ दस रमदान मुबारक को मक्का मुकर्रमा में उनकी तदफीन हुई बड़ी शान बड़ा मकाम अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए हज़रत आयशा फरमाती हैं एक औरत आई नबी पाक से मिलने के लिए जिसको हम अपनी जबान में बूढ़ी कहते हैं ना उम्र रसीदा औरत आई हुजूर उससे बहुत मुस्कुरा कर बातें करते रहे जैसे को पुरानी यादें ताज़ा करते हैं ना अच्छा फिर उसका क्या हुआ वो क्या हुआ मुस्कुरा कर बातें करते रहे वो जब चली गई तो मैंने पूछा ये कौन थी अब बड़े मुस्कुरा के उससे बातें कर रहे थे फरमा ये खतीजा की सहेली थी पुरानी बातें उनसे कर रहा था तो हज़रत आयशा के मुंह से निकला आप अभी तक उनको याद करते जबकि मैं वो तो बेवा थी दो मरतबा की मैं तो कुंवारी आपको मिली हूँ आप अभी भी उनको याद करते हैं हजूर की आंखों में आंसू आ गए पर मैं खतीजा को कुछ ना कहना उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब किसी ने साथ नहीं दिया था। उसने उस वक्त मुझ पर ख़र्च किया जब कोई ख़र्च नहीं करता था नबी पाक इतनी महब्बत से उनको याद करते थे करोड़ों सलाम उस माँ पर अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए आज का हम जुम्मा उनकी याद में मना रहे हैं उनकी महब्बत में उनकी तरफ से इन शह हदिया पेश करेंगे मस्जिद के लिए और अगला जुम्मा इंशाल्लाह हम मनाएंगे बदर वालों की याद में अपने वालिदैन की तरफ़ से मैं इब्तः कर रहा हूँ पेश करने की आपके पास ये आएंगी झोली उसमें या यहाँ पहुँचाना चाहें जो भी जिससे भी हो सके आपको मैंने बताया था रमदान में माशाल्लाह ये अब्दुल अब्दुलवाफ़ार दाऊद साहब लाए हैं पाँच हज़ार जो भी मोहब्बत से भले पाँच रुपये हों दस रुपये हों उनके नाम पर ज़रूर देने हैं कोई पीछे ना रहे जिसको अल्लाह तौफीक दे माशाल्लाह ये जनाब शकील साहब ने दो हज़ार रुपया दिया अल्लाह कबूल फरमाए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों याद रखना ये जो मुकद्दस हस्तियां हैं इनके नाम पर देने से आप ये ना समझना कि आपके ये पैसे बस गए तो गए नहीं यहाँ पर सदकए जारिया भी और हमेशा के लिए उनकी बारगाह में आप सुरखरू भी है सैयद आदिल शाह साहब ने भी दो हज़ार दी अल्लाह कबूल फरमाए मस्जिद के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ हमारे पास आमदनी जो है ना इसकी माहाना वो लाख रुपया भी पूरी नहीं होती और खर्चा पांच लाख रुपए है तो ये मौके होते हैं इस मौके पर आप ताउन करते हैं अभी रमदान में माशाल्लाह अभी रमदान नहीं आया सवा लाख रुपया बिल जमा कराया बिजली का पिछले महीने का अभी तो एयर कंडीशन चल रहा है पता नहीं कितना बेल आएगा तो गवर्नमेंट को तो कोई ख्याल नहीं आप लोग ताउन करते हैं अल्लाह आपको जजाय अता फ़रमाए ये अफज़ल साहब हर साल आते हैं